दोस्तों हमारे चैनल सिलाई सखी में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं गोल गला कैनवस से हम कैसे बनाते हैं वो आज हम आपको बताएंगे। और देखिए ये हमारा जो है ब्लाउज पीस का कपड़ा है और इसके लिए हम हमको अस्तर है ये हमारा, मतलब जो ब्लाउज पीस में हमने अस्तर लगाए हैं ये देखिए यही सेम इसमें हम लेंगे और इसके ऊपर कैनवस चिपकाएंगे। और गला हम कैसे पलटी करते कैसे बनाते आज हम वो आपको दिखाने वाले हैं। तो चलिए समय गंवाते हुए शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमारा बैक साइड का है तो इसमें हम गला कैसे बनाएंगे वो आज हम आपको बताएंगे। हम क्या करते हैं ऐसा डायरेक्ट गला कटिंग कर देते हैं कपड़े पे, तो हम इस बार कपड़े पर कटिंग नहीं करेंगे, हम कैनवस का इस्तेमाल करेंगे। कैनवस पर गला कटिंग करेंगे फिर इसके बाद हम ये अस्तर का कपड़ा है इस पर चिपकाएंगे, फिर इस पर हम कैसे बैठाएंगे वो आज आपको बताएंगे। तो चलिए करते हैं हम, ये हमारा कैनवस है ठीक है। अब इसमें हम गला कटिंग करेंगे तो यहाँ से हम गला 2.5 इंच लेंगे और आपको गला कितना चाहिए आप उसी हिसाब से ले सकते हैं आप जितना पहनेंगे। तो यहाँ से हम 2.5 इंच पे ऐसा निशान लगाएंगे ये देखिए। अब यहाँ से आप कितना पहनते हैं आप अपने हिसाब से लेंगे, हम आपको बता रहे हैं गला कैसे बैठाते हैं। तो हम यहाँ से 10 इंच पे निशान लगाएंगे, तो यहाँ पे हमको 10 इंच का गला चाहिए। ये 9.5 इंच पर तैयार होगा क्योंकि आधा इंच सिलाई में जाएगा। यहाँ से भी हम 2.5 इंच लेंगे ये देखिए, इस तरफ से भी हम 2.5 इंच लेंगे। अब इसको हम सीधा करेंगे, ये हमारा हो गया। यहाँ पे हमने 2.5 इंच लिए, यहाँ पे 2.5 इंच लिए। अब इसको हमको गोल शेप देना है तो इसको हम यहाँ से लेके ऐसा ऐसा हल्के हाथ से ऐसा ब्रॉड में बनाएंगे। यहाँ से हम फैला देंगे गले को, लेकिन यहाँ पे नहीं, हमारा गला यहाँ पे ऐसी रहेगा। इस तरफ से ऐसा ऐसा राउंड में लाएं के इसमें हम मिला देंगे ठीक है। अब इस पे हम यहाँ से 1.5 इंच के लेंगे इस तरफ ऐसा आप निशान लगा लेंगे 1.5 इंच पे। ऐसे हम ऊपर तक लगाएंगे 1.5 इंच का निशान, फिर इसको हम शेप देंगे ठीक है। अब इसको हम ऐसा मिलाते हुए ऐसा इस ऊपर की तरफ जाएंगे ये देखिए। अब इसका हम कटिंग करेंगे, ये हमारा कटिंग हो चुका है। अब इसको हम इस कपड़े पे चिपकाएंगे ठीक है, इसको ऐसा फैलाएंगे ये देखिए। अब एक गले को हम इसमें ऐसा चिपका देंगे, फिर इसके बाद जो हमारा कपड़ा है इसके ऊपर रख के हम सिलाई करेंगे। तो इसका हम सेंटर निकालेंगे इसमें ये देखिए ऐसा, और इसका भी। तो इसको देखिए जिस तरफ हमारा गम लगा हुआ है इस तरफ, तो इसको ऐसे हम इस तरफ रख के ऐसा चिपका लेंगे, ऐसा खूब अच्छे से हम बैठा लेंगे एकदम अच्छे से। जितना अच्छे से हम बैठाएंगे उतना अच्छे से हमारा। अब देखिए एक बार ध्यान देना आप कि हमने 2.5 इंच का गला लिए थे, अब यहाँ से हमको 5 इंच देखना है, 5 इंच कहाँ पा रहा है उसी हिसाब से हमको ये देखिए बरोबर हमारा 5 इंच पे लगा है ठीक है। अब इसको हम अच्छे से चिपका लेंगे गले को, इसको खूब अच्छे से चिपका लेंगे, गम हमारा कपड़े पे चिपक जाएगा ताकि। अब इसका हम कटिंग करेंगे, साइड साइड से 1/2 इंच छोड़ के हमको कटिंग करना है हल्का सा ये देखिए, इस तरह से हम इसको कटिंग करेंगे। ये कटिंग हमारा हो चुका है ये देखिए। अब इसको हम क्या करेंगे,
ये देखिए हमने कटिंग कर लिए हैं। अब इसको हम इसको ऐसा मोड़ के यहाँ से चारों तरफ हम सिल लेंगे, यहाँ से यहाँ तक हम इसको सिलाई करेंगे। ये देखिए हमने इसको स्टिचिंग कर लिए, यहाँ से लेके हम इसको राउंड में ये देखिए यहाँ तक कर लिए। अब हम क्या करेंगे, इसका बीच से हम इसको लगाएंगे। अब यहाँ पे हम एक इस तरह से इसका लगा लेंगे। अब इसका भी बीच से हम लगाएंगे, ये देखिए यहाँ पे इस तरह से। अब हम ये देखिए कपड़ा है और इसके ऊपर हम ये रखेंगे। अब इसको जब सिलाई करेंगे ये हमारा भाग अंदर की तरफ जाएगा, कभी भी ध्यान रखना है, ठीक है। ये जो है बैक साइड का हमारा अस्तर नीचे है और कपड़ा ऊपर है, तो इसके ऊपर से ऐसा आपको रखना है। और इसने हमने देखिए सेंटर यहाँ पर लगा लिए हैं। अब यहाँ पे एक हम टाची लगाएंगे, ये देखिए ये आपको सेंटर लेना है, ये गले का और इसका बीच का। यहाँ पे हम एक ऐसा ये देखिए, अब हमको यहाँ से एक दो जगह टाची लगा लेंगे ताकि हमको सिलाई करने में आसान हो जाएगा। अब इसको हमने आसानी से बैठा लिए हैं, अब इसके ऊपर हम सिलाई करेंगे। अब इसको हमको यहाँ से लेके यहाँ तक हमको सिलाई करना है। एकदम बराबर कैनवास के किनारे से हमको लेना है। अब देखिए हमने यहाँ से किनारे से सिलाई लगा ली है। अब इसको हमको आधा इंच थोड़ा छोड़ के इसको कटिंग करना है। अब ये देखिए मैं आधा आधा इंच छोड़ के सिलाई किए कटिंग किए हैं। अब इसको हमको हल्का सा ऐसा नोच देके इसको हमको पलटी करना है। तो ध्यान देना जो हमारा सिलाई हुआ है इसको नहीं कटने पाए, तो हल्का सा ऐसा है देखिए सिलाई नहीं हमको ऊपर नहीं कटिंग करना है, उसके साइड हल्का सा ऐसा देना है, देख रहे हैं आप। इस तरह से हम पूरे गले में ऐसा नोच दे देंगे अच्छे से, फिर हमारा गला बैठ जाएगा। हमने दे दिए हैं। अब इसको हम क्या करेंगे, अब इसको अच्छे से इस तरफ से हम ये देखिए ऐसा करके हमको करना। अब ये देखिए इसको हमने नोच दिया, अब इसको हमने ऐसे पलटी कर लिए। अब इसके ऊपर हम प्रेस मारेंगे, तो प्रेस लगा के हमको इसको अच्छे से बैठा लेना है एकदम। तो इस तरह से हम इसको प्रेस करेंगे ताकि हमारा सिलाई परफेक्ट बैठ जाए। ये देखिए इस तरह से हमने ये हमने इसको फोल्ड किया, फोल्ड करके प्रेस मारे, ठीक है। अब इसको हम सीधा करेंगे, यहाँ ये देखिए। तो ये देखिए हमारा गला खूब अच्छा से बैठ गया, एकदम सुंदर दिख रहा है, ये देखिए। तो हम गला कैनवस से इसी तरह हम लगाते हैं, आप देख रहे हैं गला कितना अच्छा दम फिनिशिंग के साथ बैठा हुआ है।
अब इसके ऊपर आप लैस भी लगा सकते हैं या तो इसके ऊपर एक सिलाई भी कर सकते हैं एकदम फिनिशिंग के साथ। तो दोस्तों आज हमने सीखा बैक नेक में गोल गला हम कैसे लगाते हैं कैनवास के साथ। तो आज अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।